वीडियो बनाओगे तुम? मैं बात करूँ? कहाँ से तस्वीर लाए आप? यूपी से। कहाँ से आए? जी आप मुसलमान हो? आप मुसलमान हो और खा पी रहा हो तुम होटल में? ये शर्म आने वाली बात है ना, दीन का दर्श देते हो तुम? बताओ जवाब है आपके पास में? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ तो मुसाफिरों को मतलब क्या करने का? गुलाम खाने का? तस्दीक नाम आपका सबका है आपके पास में? तो तस्दीक नामा कब बनवाया आपने? आपने तस्दीक नामा कब बनवाया? कब? आधा घंटा पहले बनवाया आपने। आधा घंटे में यहाँ पर भी आ गया आपके? किनसे बनवाया आपने तस्दीक नामा? मिलता है तो ऐसा गुलाम खाने का है, अच्छा है ना? कि एक तरफ खाना चाहिए, अच्छा लगता है कि होटल में खा रहा है। ये क्या है? आप मैसेज देना चाहते हैं बताओ, ये गुलाम खाने का मैसेज क्या है? आप सुना सुनाइए जी। जी जी एहतराम भी जरूरत है ना? ठीक है ठीक है। तस्दीक नामा अगर तुम्हारा बायदी पर बना नहीं होगा ना, बन गया तस्दीक नामा अच्छी बात है। अगर नहीं बना होता ना तस्दीक नामा बनवाता भी नहीं, लॉक करवा देता हूँ। नहीं ये 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 बात अच्छी नहीं है, ये नहीं तकलीफ की बात है, ये मैसेज गलत है, ये मैसेज गलत है, बात आप समझ लीजिए आप इसको। ठीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, यह हमारा इस्लाहे मुआशरा का 887वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सोशल मीडिया के ऊपर दो दिन से एक वीडियो वायरल किया गया है, मदरसे का चंदा करने वाले चंद सफ़ीर, वो किसी होटल या रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। अब एक साहब शूटिंग करते हुए उठे, उन सुफरा के पास पहुँचे, उनसे सवाल कर रहे हैं, क्या तुम लोग मुसलमान हो? फिर मुसलमान है तो तुम्हारा रोज़ा नहीं है? फिर उनसे सवाल कर रहे हैं, तुम्हारे तस्दीक नामे किधर है, कहाँ हैं? उनमें से एक साहब जवाब भी दे रहे हैं, अरे भाई हम लोग मुसाफिर है, सफ़र में हैं। लेकिन ये भाई साहब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। खैर, वो सारी चीज़ें हो गई, लेकिन मैं देख रहा हूँ उसको सोशल मीडिया पे जिस निगेटिव अंदाज़ के अंदर पेश किया जा रहा है, तो पता ये चला कि कौम जो है उसको सहर की जो दुआ है, जो रोज़ा रखने की नियत है, नवईतु अन असूमु, और रोज़ा खोलने की जो दुआ है अल्लाहुम्मा लका सुमतु, उसके अलावा रोज़े का कोई मसला मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है रोज़ों के मसाइल के बारे में। एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम ये होता है, मसाइल का इल्म नहीं होने की वजह से हम बहुत सारे ऐसी चीज़ों के अंदर ऐसे काम कर जाते हैं, हमको एहसास भी नहीं होता है कि भाई हम गुनाह कबीरा का इर्तिकाब कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जो साहब बैठे हुए हैं कैमरा लेकर उनके पास पहुँचे, तो ये उनका काम ही नहीं है सवाल करने का, इसलिए कि आपको समझना चाहिए सफ़ीर लोग है ये मुसाफिर है। क़ुरान में वाज़ह तौर पे अल्लाह ताला ने फ़रमाया, फ़मन काना मिनकुम मरीज़न अव अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो आदमी बीमार है सफ़र में है उसके लिए रुख्सत है, सफ़र के बाद में उसको उनकी क़ज़ा करनी है। वो बेचारे मुसाफिर है, वो हमको पता होना चाहिए, मसाइल का इल्म होना चाहिए। ये किसी मुफ्ती साहब का, शेख साहब का फतवा नहीं है, ये कुरान में आयत है, आयत है कुरान के अंदर, कुरान में आयत नाजिल फरमाई अल्लाह ने, और उस इस आयत को और ज़्यादा तक़वियत देने के लिए फिर इसके अगली आयत में फरमाया, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र।
لیکن میرے محترم دوستو، اس آدمی کا سوال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمارے زمانے کا جو مسلمان ہے ایکچوئل میں اس کا ایک مزاج یہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے کو گتے دار بنا کے بھیج دیا زمین کے اوپر، ٹھیکے دار۔ اب میں پیار سے، محبت سے لوگوں کی تعلیم تربیت کی بجائے کوڑا لے کر ہاتھ میں لوگوں کی تربیت کروں گا، اصلاح کروں گا۔ یہ جو سوال کرنے کا ڈھنگ ہے، کیا تم لوگ مسلمان ہو، میرے محترم دوستو، اس میں سے حقارت ٹپکتی ہے کہ وہ آدمی ان کو کتنی حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کتنا کیسا جملہ ان کے لیے حقارت آمیز استعمال کر رہا ہے کہ کیا تم لوگ مسلمان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت تقوی والا ہوں، میں بہت اپنے وقت کا گناہوں سے دھلایا ہوا ہوں، میں نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہوں، میں تو اللہ کا ایک بھی حکم نہیں توڑتا ہوں، ہر نماز میری تکبیر اولیٰ سے ہوتی ہے، سنت کی، نوافل کا، اور ہر عمل کا میں مستحبات کا تک اہتمام کرتا ہوں، میں تو اتنا پکا اور پختہ ہوں۔ بس اب خالی میرے لیے جو ہے قطب کا سرٹیفکیٹ آنا باقی رہ گیا اوپر سے، باقی تو سارے جو لیول تھے وہ سب میں نے کراس کر لیا ہوں، پار کر لیا ہوں۔ اس لیے کہ اب اللہ نے میرے کو گتے داری دیے ہوئی ہے لوگوں سے پوچھنے کی، تو سوال اس انداز سے کیا جا رہا ہے کیا تم لوگ مسلمان ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے محترم دوستو، بالکل سراسر غلط بات ہے یہ پوچھنا ہی غلط ہے۔ اس لیے کہ وہ لوگ مسافر ہے، ہم کو سفر کے مسائل پتہ ہونا چاہیے، اور وہ بیچارہ بول بھی رہا ہے ان کو، ارے بھائی ہم لوگ سفر میں ہیں۔ اچھا سفر میں ہے، اور وہ ایک ہوٹل کے اندر بیٹھ کر چاروں جن مل کے ایک جگہ پہ بیٹھ کر، ایسا روڈ پہ کھڑے ہوئے نہیں ہے وہ، کھلے عام اندر بیٹھ کے بیچارے، وہ جگہ ہی ناشتہ کرنے کی ہے، اس کا اختصاص ہی اسی لیے ہے کہ لوگ اس کے اندر ناشتہ کریں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جناب کو اس کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ میرے محترم دوستو، تھوڑا مزاج کو تبدیل کرے، ہم اپنے مزاج کو چینج کرے۔ جہالت، ان پڑھ پنے کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کا کیسے جنازہ نکالتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں سفر میں، ایک صاحب، خالی انہوں نے اپنا ظاہر بدل دیا، ماشاءاللہ جبہ آ گیا، ٹوپی آ گئی، لباس آ گیا، بن گئے علامہ، وہ بھی ہمارے ساتھ میں۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، گاڑی ایک طرف کھڑے کیے، وضو وغیرہ کیے، دو رکعت پہ میں نے سلام پھیر دیا، تو وہ اٹھ گئے، وہ بولے دو رکعت پہ سلام، عصر کی نماز تو چار رکعت والی رہتی۔ میں بولا ہاں ہم لوگ مسافر ہے، مسافر کے لیے، میں نے تو آج تک سنا نہیں بولے کبھی ایسا، یہ تو نیا اسلام، نیا دین دکھ رہا بولے مجھے یہ دو رکعت نماز کا۔ نہیں نہیں رے بولے بابا، اپنے کو نہیں جمنے والا ایسا، میری پوری چار رکعت پڑھوں گا۔ وہ پورے سفر کے اندر وہ ہر دو رکعت والی نماز کو چار رکعت پڑھتا تھا بیچارہ، پورے سفر کے اندر، عصر چار رکعت، مغرب چار رکعت، ظہر چار رکعت۔ کیوں نہیں، میں مانتا ہی نہیں بولے اس کو، یہ مسئلے کچھ نہیں مانتا میں۔ کیوں پتہ، یہ چلا کہ کبھی نہ زندگی میں ذوق نہ شوق مسئلے کو سیکھنے کا۔ محترم دوستو، ضروری ہے امت کے لیے، ورنہ اس طریقے سے، وہ مسافر لوگ ہیں، وہ ان کو اسلام نے پرمیشن دیا، اللہ نے پرمیشن دیا، قرآن نے پرمیشن دیا، کون ہے ہم؟ گتے دار ہیں ہم، ٹھیکے دار۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو مسائل کا علم ہوتا ہے، جس کو یہ ساری چیزوں کی باریکیاں پتہ ہوتی ہے، اس کا دل دیکھو کیسے سمندر کے جیسا ہوتا ہے۔ حضرت قاری عبد الحمید صاحب، جامعہ حمیدیہ پانولی گجرات کے مہتمم اور اس کے بانی، وہ میرے استاد محترم۔ تو مدرسہ پہلے لڑکوں کا مدرسہ تھا، ایک دم شروع ابتدا کے اندر، اور ہم بالکل ابتدائی شاگرد ان کے، ابتدائی طالب علم اس مدرسے کے۔ اب میری ترتیب ایسی تھی کہ چھٹیوں میں میں اپنے گاؤں میں قرآن سناتا تھا۔ قاری صاحب نے اس سال مجھ سے کہا، بولے بھائی دیکھو، اس سال آپ کو یہیں پر رہنا ہے، رمضان کے مہینے میں بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں، میں اکیلا رہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو وہ سر آنکھوں پر۔
मैंने वो मस्जिद वालों को इत्तला दिया, मैं बोला भाई रमज़ान में मेरा आना नहीं होगा, मैं मदरसे में ही रहने वाला हूँ। वाकिया जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ वो ये कि रोज़ाना 100, 150, 200 सफ़ीर वो चंदे के लिए आया करते थे। अब हमारे हज़रत क़ारी साहब की तरतीब ये होती थी कि पिछले साल का बुक देखकर वो इस साल की पावती बनाते, अपने हाथ से बनाते थे। वो बेचारा पावती वाला आगे मेरे पास में आता था, पैसे देने की ज़िम्मेदारी मेरी, तो जितने की पावती रही उतने पैसे मैं दे देता था। अब एक दिन दोपहर के वक्त में जोहर की नमाज़ के बाद एक सफ़ीर साहब जो है वो वज़ू खाने के दूसरी तरफ बैठकर बीड़ी पी रहे थे और हमारे मदरसे के खादिम ने उसको देख लिया। अब एक तो रोज़ा, ऊपर से सफ़ीरों की भी खिदमत करना पड़ती थी, वो बेचारा आ गया गुस्से में, बड़बड़ाने लगा वो, ये ऐसे कैसे सफ़ीर है, चंदे के लिए आते बीड़ी पीते बैठा उधर, और हमारे हज़रत क़ारी साहब बाजू में ही बैठे हुए थे। हज़रत ने उसकी पूरी बात सुन ली है। सुनने के बाद में उसको बुलाए, अरे बोले ओ भाई साहब यहाँ आओ, क्या मसला है आपका? बोले क्या हज़रत, आप इन लोगों को चंदा भी देते, इफ्तार का भी नज़्म करते, इनको खाना भी खिलाते, बीड़ा पीते बैठा बोले उधर, वो कौन पी रहा है? सफ़ीर है बोले जो आपके पास में चंदे के लिए आते। तो हमारे क़ारी साहब ने जो जवाब दिया मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। और मैं आपको ये वाक़िया सुना रहा हूँ 95-96 के ज़माने की ये बात है। क़ारी साहब ने उससे कहा, बोले भाई शरीयत ने, इस्लाम ने उसको इजाज़त दी है, वो मुसाफिर है, कि वो अपने रोज़े की क़ज़ा अपने वतन में पहुंचकर रमज़ान के बाद में भी कर सकता है, तो फिर मैं और तू, हम कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले और उसके ऊपर एतराज़ करने वाले? मतलब उस पर हम एतराज़ नहीं कर रहे हैं, हम अल्लाह के अम्र और उसके हुक्म पर एतराज़ कर रहे हैं। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह वाले जो होते हैं ना, अल्लाह वाले, एक और वाकया मुझे हमारे क़ारी साहब का बहुत अच्छे तरीके से याद है, उनके हुस्ने अखलाक का, वो मैं फिर कभी बयान करूँगा। ये वाकया जो है उनके ब्रॉड माइंडेड होने का, उनके दिल, जैसा शायर ने कहा नहीं क्या, तालाब तो बरसात में हो जाते हैं कमज़र्फ़ और बाहर कभी आपे से समंदर नहीं होता। ये समंदर है ये लोग, ये समंदर थे। हालांकि वो बेचारा नाश्ता नहीं कर रहा था, बीड़ी पी रहा था। मैं समझता हूँ बीड़ी का पीना तो ये हज़रत ने जो नाश्ता करते हुए देखे उससे भी ज़्यादा बड़ा हुआ अमल है, लेकिन फिर भी देखो उनका दिल, देखो उनका गुर्दा, देखो। उन्होंने कहा, बोले भाई कुरान में फरमा दिया उनके लिए, फ़मन का नाम इनको मरीज़न अव आला सफ़र, जब अल्लाह ने उनको रुख्सत दी है, अरे हम है कौन, हम है कौन? और मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं शाहिद हूँ इस चीज़ का कि ऐसे जो सुफरा होते हैं जिनके रमज़ान में रोज़े छूट जाते हैं, वो अपने वतन जाकर पूरे एहतमाम के साथ अपने रोज़ों की क़ज़ा भी करते हैं। मेरे उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना आरिफ़ साहब कासमी, अगर वो हयात होंगे और सुन रहे होंगे तो शायद उनको याद होगा, हम लोग पढ़ते थे उनके पास, तो उनके नफल रोज़े चल रहे थे। मैंने पूछा हज़रत से, मैं बोला हज़रत ये नफल रोज़े काय के है, ये मन्नत के है, नज़र के है? अरे नहीं नहीं बोले, वो रमज़ान में मैं जाता हूँ ना चंदे के लिए, तो सफ़र के दरमियान में कुछ 4-5 रोज़े मेरे छूट गए थे, मैं उनकी क़ज़ा कर रहा हूँ। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, पॉजिटिव सोचो, रमज़ान का महीना है, दूसरों के लिए क्यों अपने आमाल को बर्बाद करने का, क्यों गीबत में मुब्तला होने का, क्यों बदगुमानियों के अंदर मुब्तला होने का, और थोड़ा सा मसाइल का इल्म सीखो, मसाइल का इल्म सीखेंगे तब पता चलेगा शरीयत में कितने बारीक बारीक मसाइल है। ये जिहालत की वजह से, एक इमाम साहब फजर की नमाज़ के बाद लोगों को तफसीर सुनाते थे, मसाइल बताते थे रोज़ों के, रमज़ान के। उन्होंने अल्लाह के नबी की बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाई, कौम के अंदर मिजाज नहीं, कौम ने ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो हदीस सुनी, फजर बाद उन्होंने सुनाए, जोहर से पहले उनके रवानगी के आदाब हो गए। हालांकि वो हदीस बुखारी शरीफ में है, अल्लाह हिफाजत फरमाए और जिहालत से हमको महफूज रखे, बस इतना ही कह सकता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।